इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मोटर वाइंडिंग किस तरह से किया जाता है, मोटर वाइंडिंग करने का सही तरीका क्या है। बहुत लोग मोटर वाइंडिंग करते हैं तो उनसे होता है क्या कि मोटर वाइंडिंग करते समय जो है मोटर में कॉइल जो है कॉइल स्लॉट में सही से नहीं घुस पाती है। कॉइल में हम कितने भी वो कलम मारते रहते हैं तो फिर भी जो है स्लॉट में कॉइल नहीं घुस पाती है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे जो है मोटर वाइंडिंग करेंगे ताकि स्लॉट में जो है सही से कॉइल डाल पाए। हम लोग कैसे कॉइल को डालेंगे ताकि कॉइल जो है स्लॉट में डालते समय कोई भी परेशानी ना हो। बहुत लोग को यह दिक्कत होता है कि कॉइल जो है स्लॉट में नहीं घुस पाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर है कि आप लोग समझ जाएंगे कि मोटर में जो है कॉइल डालने का सही तरीका क्या होता है, कॉइल डालते समय आखिर कैसे हम लोग कॉइल डालेंगे तो स्लॉट में जो है कॉइल सही से डल पाएगी। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मोटर वाइंडिंग करने से पहले हम लोग को क्या करना होता है कि फर्मा को नापी करना होता है कि कितना पर बैठा हुआ था पहला कॉइल जो पहले से वाइंडिंग किया हुआ था वह कितना से कितना पिच पर बैठा हुआ था तो वह नापी करना होता है। तो पहले हम लोग उसको नापी कर लेते हैं फिर हम लोग इसको कॉइल किस तरह बनाएंगे वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए ये जो है चार दो का सेट, ये चार चार का सेट है तो चार ये और 24 स्लॉट हो तो हमको क्या करना होगा छः पर नापना होगा एक से छः पर। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ पे हमको नापना होगा एक से छः 24 स्लॉट है तो चार कॉइल का सेट बनेगा तो छः चौका 24 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरह से कुछ पकड़ेंगे देखिए और उसके बाद इस तरह से जो है हम लोग इसको ऐंठ देंगे। फिर से ऐंठने के बाद हम लोग को क्या करना है कि फिर से इसमें लगाना है और फिर से हमको छः गिनना है एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ तक गिन लेना है और उसके बाद फिर देखना है कि क्या फर्मा जो है सही हम नाप पाए हैं या नहीं। तो मेरा बिल्कुल फर्मा जो है पूरा परफेक्ट नापाया हुआ है। तो चलिए हम आप लोग के बता रहे हैं कि कॉइल जो है किस तरह से हम लोग बनाते हैं मशीन पर। तो देखिए फर्मा नापी करने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से फर्मा को कसते हैं। हम मेरा देखिए ये मशीन है जिसपे हम ये कॉइल को बनाते हैं, यह मेरा मशीन है। जब हम इसको एक बार नचाते हैं तो यह 10 राउंड जो है यह मशीन घूमती है। तो हम इसको फर्मा जो है कसते हैं देखिए फर्मा को जो है ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा फर्मा जो है लूज भी नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे जो है पकड़ के देख लेना है और उसके बाद यह थोड़ा लूज है तो इसको हम थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं। उसके बाद फिर से देख लेना है क्या ये लूज है या टाइट है। तो देखिए फर्मा जो है पूरा एक्यूरेट फिक्स है तो इसको हम क्या करते हैं फिर जो है यहाँ से खोल देते हैं इसको और जहाँ हमने जो कसा हुआ था फिर से वहाँ जो है हम इसको जो है फर्मा को टाइट कर देते हैं। और फर्मा को टाइट करने के बाद क्या है कि हम इसको जो है फिर से अब देखिए अब कॉइल किस तरह हम लोग बनाते हैं। इस तरह से जो है कुछ लपेट देंगे ये जो है यह लूप में जाएगी और उसके बाद हमको जितना यह टर्न है उतना टर्न हम इसको मार देते हैं। उजाला कंपनी का मोटर है यह 25 नंबर SWG वायर से बना हुआ है 45, 54 और 90 इसमें टर्न है। तो हमको क्या करना है इसको 10 ये एक दो चार ये देखिए हम इसको चार बार घुमाए तो चार दहाई को 40 टर्न हो गया और इसको जो है हम पाँच बार हाथ से इसको घुमाएंगे। ये देखिए यह हो गया 45 टन यह हो गया और उसके बाद हमको इस पर मारना है 54 और इस पर 90 इस पर 90 टन हमको मारना है। तो मैंने चारों कॉइल बना दिया है एक दो तीन चार हमने चारों कॉइल बना दिया है। अब हमको क्या करना है कि फिर इस पर जो है इस फर्मा पर से इसको खोल देना है और उसके बाद हम चलिए आपको बताते हैं कि कैसे जो है हम लोग स्लॉट में कॉइल डाल देंगे। देखिए हमने इस पर से उतार लिया अब चलिए हम आपको बता रहे हैं किस तरह से जो है हम लोग स्लॉट में कॉइल डालते हैं। तो देखिए मोटर में कॉइल डालने के लिए हमको दो चीज़ रखना होता है, एक जो है यह कलम है ताकि मोटर में जो है कॉइल डालते समय अगर कॉइल फंसे तो हम लोग इसको ऐसे करके हम लोग इसको ये स्लॉट में कॉइल को डालते हैं। आई डोंट नो आप लोग इसको क्या बोलते हैं पर हम लोग जो है इसको कलम बोलते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मोटर में जो है कॉइल डालने का सही तरीका क्या है ताकि जो है कॉइल सही से मोटर में डाल पाए। देखिए हमको क्या करना है कि कॉइल इस तरह से उठा लेना है और उसके बाद इस लूप को इधर में घुमा लेना है और देखिए इसके बाद जो है कुछ इस तरह से इसको बैंड करना है और उसके बाद ले जाना है यहाँ कॉइल में स्लॉट में और उसके बाद जो है यहाँ जरी से उस साइड से पकड़ना है
और इस कॉइल को जो है सीधा देखिए स्लॉट में यहाँ सीधा घुसाना है और सीधा इस तरह से जो है खींच देना है। देखिए तुरंत ये कोई बिना परेशानी के कॉइल जो है घुस गया। उसके बाद हमको क्या करना है, ऊपर से जो है इसको पेपर लगा देना है। देखिए इस तरह से हमको ऊपर से एक ये पेपर लगा देना है जिबिया, और उसके बाद जो है कॉइल के थोड़ा सा जो है आगे मुँह बढ़ा देना है। देखिए इस तरह से जो है थोड़ा सा आगे कॉइल को बढ़ा देना है दोनों तरफ से, इस साइड से भी और उधर से भी। और उसके बाद कॉइल को आगे बढ़ाने के बाद देखिए क्या करना है, फिर हमको कॉइल ये यहाँ एक से छः गिनना है, 1 2 3 4 5 6, या 6 पे बैठा हुआ था तो हमको 6 गिनना है। अब देखिए आपको एक ही बार सभी कॉइल नहीं डालना है, अगर आपको कॉइल सही से डालने नहीं आता है तो आपको सभी कॉइल एक बार नहीं डालना है। आपको क्या करना है कि 3 4 जो है तार इसमें से लेना है, और उसके बाद जो है सलाट के सामने पहले उस साइड रखना है, और उसके बाद से जो है प्रेस करके इधर साइड में लाना है। उधर के बाद देखिए फिर से जो है आपको ऐसे ही थोड़ा सा आपको कॉइल लेना है, 4 5 तार लेना है, और फिर जो है उसी तरह से आपको सेम बैठा देना है। और फिर बैठाने के बाद क्या करना है कि हमको इस साइड जो है जिभिया को लगा देना है। देखिए जिभिया लगाने के बाद हमको क्या करना है कि इसको जो है ये देखिए कॉइल को जो है हमको इस तरह कुछ कर देना है। देखिए इस तरह से हम इसको सही दिए ताकि देखने में कॉइल अच्छा लगे, फिर उस साइड से भी हमको सेम इसी तरह कर देना है। तो हमने दोनों तरफ से उसी तरह सेम कर दिया ताकि कॉइल जो है देखने में अच्छा लगे। और उसके बाद से जो है फिर अगला कॉइल उठाना है, और अगला कॉइल देखिए उठाने के बाद क्या करना है, इसका सीरीज उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। इधर से जो लूप निकला हुआ है वह इस साइड लूप आना चाहिए, इस साइड जो निकला हुआ है इस साइड आना चाहिए। और यह जो है हम फिर इस तरह से कुछ जो है सलाउट में इसको ले जाएंगे, और फिर उसी तरह से हम उस साइड से जो है हमको बैठाते इधर लाना है। तो देखिए इधर से भी यह कॉइल जो है आसानी से लग गया स्लॉट में। तो अगर देखिए अगर आपसे जो है कॉइल स्लॉट में सही से नहीं डल पा रही है, तो आपको जो है यह कलम जो है या किस तरह से कलम स्लॉट में मारना है ताकि कॉइल में जो है कोई भी नुकसान कॉइल को ना हो। अगर आपको सही से कलम नहीं मारने आ रहा है तो कॉइल को जो है नुकसान हो सकता है, कॉइल जो है इसका इंसुलेशन झड़ सकता है। तो चलिए हम आपको ये भी बताते हैं कि इसमें जो है ये कलम किस तरह से मारना है। तो देखिए हमने इसको कॉइल को इस तरह से भीतर ले गया, और उसके बाद हमको क्या करना है कि इस पे कॉइल को रख देना है, और उसके बाद जो है देखिए साइड से हमको कॉइल मारना है, बीच स्लॉट के छेदा को बीच में कॉइल ये कलम नहीं मारना है, साइड से हमें मारना है दोनों साइड से। देखिए एक बार इस साइड से मारना है, और फिर जो है एक बार इस साइड से मारना है, फिर सेम उसी तरह इस साइड से मारना है, और फिर जो है इस साइड से मारना है। देखिए देखिए जब हमने इस साइड से कुछ मारा तो यह देखिए कॉइल जो है यह बैठ गया। तो कलम मारने का भी आपको तरीका सीखना पड़ेगा। देखिए हमने इसमें जिबिया भी लगा दिया, और उसके फिर हम क्या करेंगे कि इसको फिर आगे खींच के ले जाएंगे, और फिर जिस तरह से हमने ये दोनों में बैठाया है सेम उसी तरह से इसको भी बैठा देंगे। तो देखिए फाइनली जो है हमने रनिंग का या एक सेट का चारों कॉइल इसमें डाल दिया। और चलिए हम आपको अब आगे बताते हैं, ये रनिंग का दोनों सेट का कॉइल डालने के बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो देखिए मैंने रनिंग का दोनों सेट बैठा दिया है, उसके बाद दोनों सेट बैठाने के बाद क्या करना है, इसको फट्टी से जो है देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको कॉइल को जो है बैठा देना है, ताकि ये स्टार्टिंग कॉइल बैठाने में जो है कोई भी परेशानी ना हो। तो दोनों तरफ से जो है दोनों सेट का कॉइल को जो है थोड़ा इस तरह से जो है बैठा देना है। तो रनिंग कॉइल बैठने के बाद स्टार्टिंग कॉइल बैठाने के लिए क्या करना होता है, रनिंग से जो है थोड़ा सा छोटा फर्मा करना होता है स्टार्टिंग को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको फर्मा नाप लेते हैं, इसे थोड़ा रनिंग से जो है हम लोग थोड़ा सा इस फर्मा को जो है छोट करेंगे। आप इसको अगर इससे नहीं छोट करेंगे तो ये मशीन पे जो कसा हुआ था वहाँ से भी हल्का सा अपने अंदाज से 3 4 mm जो है छोट कर सकते हैं। तो हमने ये जो आपको नाप के बता रहा हूँ आपको सुविधा के लिए हम इसको नाप रहे हैं, ताकि आपको जो है कोई भी परेशानी ना हो मोटर बनाते समय। देखिए आपको जो है रनिंग से जो है इतना सा छोट रखना है, देखिए
इतना पे आपको जो है यह स्टार्टिंग का फरमा रखना है, और फिर जैसे हमने बताया था कि किस तरह से जो है मशीन पे फरमा सेट करते हैं और ये किस तरह से कॉयल बनाते हैं, सेम उसी तरह से जो है बना देना है। चलिए हम कॉयल बनाने के बाद आपको बताते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग कॉयल जो है कैसे बैठाएंगे इस स्लॉट में। तो देखिए मैंने ये स्टार्टिंग कॉयल भी बना लिया है, और चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको स्लॉट में डालना है। देखिए जैसे हमने जो ये रनिंग का कॉयल डाला हुआ था सेम उसी तरह से जो है स्टार्टिंग का कॉयल डालना है। उस साइड से जो है पहला मुंह हमको बैठाना है, उसके बाद से जो है हमको सीधे इस साइड जांच देना है, और उसके बाद अगर पूरा कॉयल स्लॉट में नहीं बैठे तो इस तरह से जो है देखिए यह कलम है इसको मार देना है। पर यह जो है हमारा एक ही दाम में बैठ गया है, तो चलिए इसको ऊपर से जो है हम एक जिबिया लगा देते हैं। देखिए ये भी आसान से जो है लग गया। अब फिर क्या करना है, ये इसको जो है आगे थोड़ा सा घींच लेना है, इसके सामने कर देना है जिस स्लॉट में जो है यह बैठेगा स्टार्टिंग का या अगला मुंह, उसमें जो है इसको घींच कर ले जाना है, और फिर इसको जो है सेम उसी तरह से बैठा देना है जिस तरह से हमने ये पिछले वाला कॉयल को बैठाया है। देखिए इसको हमने दो चार कॉयल इसमें निकाल लिया, टोटल कॉयल नहीं आपको लेना है, नहीं तो आपको जो है बैठाने में दिक्कत हो सकता है। देखिए इसको जो है इस तरह से लेना है कॉयल को, और फिर इस तरह से स्लॉट में डाल देना है। अब देखिए यह कॉयल डालने के बाद क्या करना है, फिर जो है हमको ऊपर से एक जिबिया जो है इसमें भी लगा देना है। देखिए आई डोंट नो कि आपको सही से जो है दिख पा रहा है या नहीं, क्योंकि जो है हमने इसमें हाथ डालना है तो वो आपको ही पता चल रहा होगा कि आपको सही से दिख पा रहा है या नहीं। देखिए इसमें कॉयल डालने के बाद जो है इस कॉयल को फिर से जो है इसको सही करना है ताकि कॉयल देखने में सही लगे। तो चलिए हम आपको फिर अब आगे बता रहे हैं कि सभी कॉयल ये बना देने के बाद इसको हम लोग किस तरह से जो है बांधते हैं, इसको किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। इस वीडियो को हमने इस तरह इसलिए कट करके दिखा रहा है ताकि आपको वीडियो जो है बड़ा ना हो, आपको देखने में वीडियो सीखने में परेशानी ना हो। तो फाइनली हमने रनिंग स्टार्टिंग सभी कॉयल बैठा दिया है इसमें बनाकर, अब इसको हम लोग बांधेंगे। इसको बांधेंगे कैसे ताकि देखने में जो है प्रोफेशनल अच्छा लगे इसे देखने में। कुछ लोग बांधते हैं जो काफ़ी ज़्यादा देखने में हमें ख़राब लगती है, तो हम लोग कैसे बांधेंगे ताकि जो है मोटर देखने में अच्छा लग सके। तो चलिए हम इसको बांध कर बताते हैं। इस तो हमने इसके नीचे एक कपड़ा रख दे रहा हूँ ताकि ये तार जो है स्क्रैच नीचे से ना हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि कॉयल जो सभी बैठ गया है तो अब हमको क्या करना है, फट्ठी से लेकर देखिए पीछे से कॉयल को उठाना है। दोनों रनिंग के कॉयल को जो है हमको साइड से या देखिए पीछे से दोनों रनिंग कॉयल को उठाना है, और फिर कुछ इस तरह से हमें हथौड़ी से देखिए इस तरह से ठोक देना है। देखिए दोनों का हमने इस तरह से ठोक दिया। उसके बाद क्या करना है कि रनिंग कॉयल के ऊपर देखिए हथौड़ी से इस तरह से मारना है, दोनों रनिंग कॉयल के हथौड़ी से जो है ऊपर से ठोक देना है। और फिर देखिए स्टार्टिंग कॉयल थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ है तो इसको भी देखिए भीतर से ऐसे टेल कर इधर में रखना है, और फिर ऊपर से इस तरह से जो है ठोक देना है। दोनों कॉयल को सेम जो है उसी तरह से करना है। अब देखिए ऊपर से ठोकने के बाद क्या करना है, भीतर से जो है हमें फट्टी से इस तरह से देखिए इस तरह रख के हमने मारना है। देखिए इस तरह से जो है दोनों कॉयल को ठोक देना है भीतर से फट्टी रख कर। देखिए ठोकने के बाद क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ हमें कॉयल उठा हुआ लग रहा है वहाँ हमें इसी फट्टी से, आई डोंट नो कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं, मगर हम लोग इसको फट्टी बोलते हैं, तो इससे हम लोग जो है इसको ठोक दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए तो हमें जहाँ जहाँ थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ लग रहा था वहाँ हमने ठोक कर सभी कॉयल को जो है रनिंग स्टार्टिंग सभी कॉयल को जो है बराबर कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें सेपरेटर के लिए एक पेपर लगाना है ताकि रनिंग स्टार्टिंग कॉयल जो है आपस में शॉर्ट ना हो। तो देखिए सेपरेटर डालने के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग कॉयल को जो है थोड़ा सा हल्का सा ऐसे उठा देना है, और उसके बाद उठाने के बाद देखिए इसमें सेपरेटर एक साइड से ऐसे लगा देना है।
देखिए एक साइड से लगा देने के बाद क्या करना है, इस साइड से भी जो है थोड़ा सा ये स्टार्टिंग कॉइल को जो है देखिए थोड़ा सा ऐसे उठा देना है, और फिर इस साइड जो भी है इसको ऐसे डाल देना है, और इस साइड जो है डालने के बाद क्या करना है इसको जो है पीछे मुझे पीछे की तरफ इसको मोड़ देना है। देखिए हमने इसको पीछे की तरफ मोड़ दिया दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से, यानी कि जो है जितना भी हमने इसको सेपरेटर लगाया है इसको सभी तरह से जो है हमने इसको मोड़ दिया है। देखिए सेम उसी तरह से जो है हमने इस साइड भी सेपरेटर लगाऊंगा। देखिए आपको सेपरेटर के पेपर जो है ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, जैसे कि ये निकला हुआ है ये भी थोड़ा और कम रहना चाहिए, इतना जो है इतना चल सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, नहीं तो आपको देखने में जो है पेपर नहीं ठीक लगेगा। तो देखिए सेपरेटर लगाने के बाद हमको बांधने के बारी आता है, तो बांधने के लिए हमको धागा लेना होता है। तो देखिए हमने धागा जो है यहाँ पे फंसा दिया है, और उसके बाद देखिए हमने एक सुगा बना लिया है जिससे कि हम इसको मोटर को इसमें सुगा लगाकर धागा को इसमें जो है हम पहनाएंगे बांधने के लिए। देखिए इस तरह से जो है हम इसको धागा लगा लिए, देखिए यहाँ पर घुसाना है, और फिर इसके बाद जो बारी आता है इस क्षेत्र में आपको घुसाना है यहाँ पर। देखिए ऐसे हम इसको भी घुसा दिए यहाँ पे, और इसको घीच देना है। देखिए यहाँ पे घीचने के बाद थोड़ा जो है भीतर से इस साइड से जो है हथौड़ी से इसको थोड़ा सा मार देना है। फिर क्या करना है सेम उसी तरह से जो है अगला कॉइल में हमें इसको फंसाना है। देखिए हमने इसको अगला कॉइल में भी फंसा दिया, और फिर उसी तरह से इसको घीचना है, और उसके बाद क्या करना है कि देखिए ऊपर से, अब ऊपर से हमें ठोकना है। अगर देखिए ज़्यादा उठा हुआ कॉइल है तो हमें भीतर से ठोकना है, और कॉइल अगर भीतर में भागा हुआ है तो हमें इधर से ठोकना है। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपका मोटर जो है बंधाएगा सही से। अगर देखिए और अगर ये कॉइल इस साइड भीतर की साइड भागा हुआ है तो हमें इस साइड से जो है भीतर इधर झुकाना है। तो चलिए हम इधर इस साइड से बांधने के बाद आपको बता रहे हैं कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो फाइनली हमने इस साइड से इसको बांध दिया है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि उस साइड से जो है हम लोग कैसे जो मोटर का कनेक्शन करेंगे, तो आपको हम बता रहे हैं कनेक्शन। तो हम इस सभी लूप को जो है हम इसको बाहर कर लेते हैं। तो अब हमें क्या क्या करना है कि जिस तरह से जो है हमने उस साइड से मोटर को जो है बांधने के लिए पीछे से रनिंग कॉइल को जो उठाया हुआ था, सेम उसी तरह से जो है इस साइड से जो है ये रनिंग कॉइल को पीछे से उठा देना है, दोनों रनिंग कॉइल का। अब देखिए रनिंग कॉइल को उठाने के बाद क्या करना है कि फट्टी से जो है हमें इस तरह से ठोक देना है। देखिए हमने इस साइड से फट्टी से ठोक दिया, और इस कॉइल को भी जो है हमें सेम उसी तरह से ठोक देना है। देखिए अब इसको ठोकने के बाद हमें फिर से हमने जो हथौड़ी मारा था सेम उसी तरह से जो है रनिंग कॉइल पे हथौड़ी मार देना है। हमने इस साइड भी सेपरेटर लगा दिया है, अब बारी आती है कनेक्शन करने की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कनेक्शन जो है किस तरह किया जाता है। अगर आपको कनेक्शन आ रहा है तो इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को जो है अभी भी आप देखते रहिए। तो हम क्या करेंगे कि कनेक्शन करने के लिए, देखिए जो हमारा ये इस कॉइल का जो है शुरू वाला लूप यहाँ है, और इसका लास्ट वाला लूप यहाँ है, और इस कॉइल का शुरू लूप यहाँ है और लास्ट लूप यहाँ है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों लास्ट लूप को जो है एक तरह इसको हम सीरीज करेंगे। देखिए हमने इस कॉइल का लास्ट वाला में स्लिप पहना दिया, और फिर इस कॉइल का जो है लास्ट वाला में हमने स्लिप पहना दिया। अब हमें एक स्लिप और पहनानी है इसमें, ताकि जो हम जोर जोड़ेंगे उसके ऊपर से जो है जो हम स्लिप चढ़ा सकें। उसके बाद हमें स्लिप चढ़ाने के बाद क्या करना है, इसको जो है इस पर जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ है उसको उड़ा देना है। देखिए इंसुलेशन जो हम लोग छीलते हैं उसका जो है यह कुटकी जो है इसमें नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो आपका कॉइल का जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो
तो हम इसको जो है बाहर साइड में छिल रहे हैं, कॉयल को अंदर जो है नहीं छिलाना चाहिए, नहीं तो इसका जो है ये कुटकी उसमें गिर सकता है इंसुलेशन का। देखिए हमने इसको स्क्रैच कर दिया है, इंसुलेशन को उड़ा दिया है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको जो है ऐसे हम हाइट देंगे और ताकि यह जुड़ा जाए अच्छा से। अब हमें इसको काट देना है यहाँ से। अब हमें क्या करना है कि इस स्लिप में जो है इस लूप जो हमने काटा है इसको इस स्लिप में घुसा देना है। अब इस स्लिप में घुसाने के बाद हमें ये जो अलग से एक स्लिप डाला हुआ था इसके ऊपर से वो स्लिप के चढ़ा देंगे। देखिए हमने इसको ऊपर से चढ़ा दिया। अब बारी आती है स्टार्टिंग कॉइल की कनेक्शन करने का। तो फाइनली हमने ये स्टार्टिंग का कॉइल को भी दोनों को सीरीज कर दिया है। अब मेरा बच गया है यहाँ पे चार ठो लूप। अब चाहे तो आप यहाँ पे चारों लूप को बाहर निकाल सकते हैं, पर हमें वो उस तरह से जो है नहीं करना है, क्योंकि हमें मोटर के अंदर से यहीं से जो है हमें दो लूप कैपेसिटर के लिए अलग निकालना है और दो लूप जो है लाइन के लिए अलग निकालना है। तो हमें उसके लिए यहाँ पे कॉमन करना होगा। आपको अगर नहीं पता है कि मोटर में जो है कॉमन किस तरह किया जाता है, तो हमने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। आपको ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में से इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो है ये कनेक्शन नॉन ड्राइविंग साइड जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस कॉइल को शुरू वाला लूप लेना है और इस कॉइल को शुरू वाला लूप लेना है और दोनों को इकट्ठा एक साथ जोड़ देना है ताकि यह कॉमन हो जाएगा और यह चक्कर जो है सीधा होगा। और हम चाहे अगर इसको हम शुरू वाला लूप ले लेंगे और इसको, तो यह चक्कर जो है उल्टा हो जाएगी। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में।